शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफजर अडियाला जेल से पेरोल पर रिहा। तीनों कैदी खुसूसी तैयारी पर जाती उमरा पहुंच गए। इब्तदाई तौर पर रिहाई 12 घंटे की पेरोल पर मिली। तोसी का इमकान, शहबाज शरीफ ने महकमा दाखिला पंजाब को 5 दिन की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दी थी। जाती उमरा में 3 कमरे सब जेल करार, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। साबिक खातून अव्वल की मैयत जुम्मा की सुबह लाहौर पहुंचेगी। तदफीन जाती उमरा में मियां शरीफ के पहलू में की जाएगी। शहबाज शरीफ कुलसूम नवाज की मैयत लाने के लिए जाती उमरा से एयरपोर्ट पहुंच गए। 3 रोज के लिए नून लीग की तमाम सियासी सरगर्मियां मंसूख। वजीर आजम की मैयत लाने के लिए बरतानवी हाई कमीशन को ताबुन की हिदायत। जमहूरी जिद्दोजहद का एक अहद इख्तिताम पजीर। बेगम कुलसूम नवाज कैंसर से लड़ते हुए जिंदगी हार गई। कुलसूम नवाज तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में लंदन के अस्पताल में जेरे इलाज थी। बेगम कुलसूम नवाज का सियासत में अहम किरदार रहा। 3 बार खातून अव्वल का एजाज हासिल हुआ। रुकने कौमी और सूबाई असम्बली भी रही। नून लीग और जमहूरियत कुलसूम नवाज की कर्जदार है। शहबाज शरीफ का अपनी भाभी की वफात पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना है कि कुलसूम नवाज की वफात से एक अहद का खात्मा हो गया। वजीर आजम और आर्मी चीफ का बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वजीर अला पंजाब और सूबाई वजरा की गमजदा खानदान से दिली हमदर्दी। आसिफ अली जरदारी समेत दीगर अहम सियासी शख्सियात का भी दुख का इजहार। वकला बरादरी भी शरीफ खानदान के गम में शरीक। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जाती उमरा में मौजूद। ताजियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। हसन और हुसैन नवाज की वापसी का फैसला वो खुद करेंगे। कुलसूम नवाज ने हर मुश्किल वक्त में पार्टी की कयादत संभाली। राणा सनाउल्ला, कुलसूम नवाज की सियासी बसीरत लायक तहसीन है। परवेज मलिक, कुलसूम नवाज की बीमारी का ड्रामा कहने वालों को अब शर्म आनी चाहिए। ख्वाजा इमरान नजीर समेत लीगी रहनुमाओं की गुफ्तगू। इंटरमीडिएट के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान। पंजाब कॉलेज की शानदार रवायत बरकरार। पहली तीनों पोजीशंस अपने नाम कर ली। कशफ सनाउल्ला के 1100 में से 1062 नंबर लेकर पहली पोजीशन। सजल तारिक ने 1058 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। कशफ अली ने 1053 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली।